बुलाया? किसको बुलाया आपने? किसने बुलाया आपको? तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बिल्कुल। तुझे अपने साथ थाने में लेके जाऊंगा और नहीं मानेगा तू? नहीं मानेगा? चल मैं तुझे दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, महविस घर में है नहीं, वो गई है टेलर के पास मुझे बोल के कि मुझे लगेगा थोड़ा टाइम। उसको आई थिंक 20-25 मिनट हो गए हैं टेलर के पास गए हुए, जो कि पड़ोस में है। तो मैं अपना जो मेरा जो प्रैंक था वो मेरा रेडी है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ये है रॉयल स्टैग, एक लिक्योर है, ये दारू है। सो मैंने इसको लिम्का, इसका रैपर इस पे लगाया है लिम्का पे, तो ये हो चुका है। तो ये जैसा कि अमूमन लोग दारू पीते हैं ना, तो वो नमकीन, तो ये मेरी नमकीन भी रेडी है, दारू वाला गिलास जिससे मैं पीने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ। वो अभी गई है घर, मैं दरवाजा खोल दूंगा ताकि वो सडनली अंदर आ जाए और मुझे पकड़ ले कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत एंजॉय आने वाला है आपको। ऐसा प्रैंक किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा जो मैं आज महविस खान के साथ प्रैंक करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करते रहना। और तो मेरी व्हाइट दारू है, बट दारू ना रेड कलर की होती है, तो मैं इसमें कुछ मिला लेता हूँ। ये रहा मेरा लिम्का, लिम्का मुझे दारू की तरह बनाना है ना, तो इसे मिला सकते हैं ना ब्लैक। बेटा इसने बहुत मजे लिए थे मेरे से, अब मैं इससे जो मजे लेने वाला हूँ ना, इसने सोचा भी नहीं होगा। तो ये मैं मिला लेता हूँ दारू, ये बन जाएगी अब दारू। दोस्तों लग रही है ना दारू, लग रही है ना? दोस्तों ये रहा मेरा टोटल सामान। तो अभी मैं शुरू करने वाला प्रोग्राम। तो सडनली महविस इधर से अंदर घुसेगी और आप देख रहे हो उसका रिएक्शन। राइट नाउ आई एम रेडी। कलर यार कम है इसमें, मैं थोड़ा कलर और मिला के ला। दारू पीने के बाद थोड़ी सी नमकीन भी खा जाती है, तो मैं नमकीन भी खा लेता हूँ। मैं ना मैं सडनली अंदर आएगी तो मैं इसको थोड़ा छुपा के बैठता हूँ। जल्दी से आ रहे हैं और यार कितना मजा आएगा दोस्तों के यार पेल पाल ना दे यार सब लोगों के सामने, तब तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। चढ़ने लगी मुझे अब यार। महविस जैसे ही अंदर घुसेगी तो मुझे ना अपना रिएक्शन एकदम चेंज करना है, ठीक है? और अपने आप को दिखाना है कि हम ना बहुत दारू पी रहा हूँ। महविस आ गई है, महविस आ गई है दोस्तों। और अभी इसको पता नहीं है उसके घर में हो क्या रहा है। दोस्तों मुझे लगता है मैं इसकी आवाज आ रही है। हेलो, ओहो अकेले अकेले नाश्ता। हाँ यार कहाँ गए थे? कपड़े लेने गई थी। कहाँ? यहीं पर गई थी आंटी के पास, फिर वो बैठ गई, बातें बातें करने लगी, ये खेलने वेलने लगा। तो गर्मी बहुत लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। क्या पी रही? कोल्ड ड्रिंक लाया था। कौन सी कोल्ड ड्रिंक? थम्स अप। कैसी लग कोल्ड ड्रिंक? ओफो थम्स अप। नमकीन निकालने की? अरे यार मैंने कहा नमकीन के साथ, और ये रखी हुई दे दी शायद उसने। कहाँ इसकी बोतल दिखा मुझे। अरे छोटी वाली है। अरे तुम क्या देखोगी इसमें? घबरा क्यों रहे हो? कहाँ घबरा रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ छोटी वाली बोतल है। मुझे टूट जाएगा यार। है क्या ये, मुझे दिखाओ जी क्या है। नाम तक फाड़ दिया। रॉयल स्टेज विस्की। क्या ये? क्या है क्या ये? अरे ये उसने दे दी थी मेरे को। चुप। क्या ये? कहाँ क्या? नौटंकी क्या लगा रखी? क्या नौटंकी लगा रखी है? अरे यार ये ना नदीम, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा बहुत मूड ऑफ हो रहा है। किस बात से? ये लेके क्या आए हो तुम? अरे यार ये कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है यार। कोल्ड ड्रिंक ये ऐसी इतनी बुरी स्मेल वाली कोल्ड ड्रिंक? ये न्यू आई है।
ये न्यू आई है, उसमें कोल्ड ड्रिंक पे लिखा हुआ होगा ड्रिंक के बारे में। स्टूपिड, ये मार्केट में नहीं आई है। मार्केट में नहीं आई है? हाँ। मतलब मैं दुनिया से क्या अलग रह रही हूँ? पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्या? मैं समझदार नहीं हूँ क्या? मुझे अंधे दिख रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता यार ये क्या? मुझे नहीं पता, न्यू आया है मार्केट। ये ऐसा कैसे न्यू माल आ जाएगा? तुम मंगा सकते हो किसी भी बच्चे से, मंगा सकते। अब मैं यही बेच के मंगाऊ? यही बेच के मंगाऊ? यही ले जाऊँ की ये चीज दे दो मुझे? ये तौलिया उठा दो। क्यों उठाऊ मैं यार? मुझे ना गर्मी लग रही है। तुम्हें गर्मी क्यों लग रही है? किस पर रही है? किस पर चीख रही है? कोल्ड ड्रिंक चल रही। इस बच्चे पे असर क्या पड़ेगा? मुझे तो कसम से अपना शौहर बोलते हुए तुम्हें शर्म आ रही है। क्यों क्यों शादी कर ली मैंने तुमसे? क्यों कर ली? यही दिन देखने के लिए तुमने मेरे साथ किया? तुम्हें पता है मुझे इन सब चीजों से कितनी नफरत है? बैठो यहाँ पे। बाहर जाके मेरा तमाशा बनवाना चाह रहे हो क्या? क्या तमाशा बनेगा? है मेरे घर में तुमने जो ये अल्लाह नमाज के घर में तुमने ये सब फैला के रखा है, तुम्हें सब यार ये ना मार्केट में नया वो आया है कोल्ड ड्रिंक, अभी भी कह रहा हूँ ये नया कोल्ड ड्रिंक तुम्हें बोलने में लड़खड़ाएगा। क्या है ये? है क्या ये कोल्ड ड्रिंक? उठाओ मैं दिखाता हूँ। ये कोल्ड ड्रिंक है? ये कहाँ है ये कोल्ड ड्रिंक है? ये कोल्ड ड्रिंक है? हर कोई पीता है। अल्लाह मैं क्या करूँ? अरे हर कोई पीता है यार, तुझे नहीं पता? तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बच्चे को तुम कैसे मुंह दिखाओगे? इस बच्चे को तुम क्या सीख दोगे? दिस इज नॉट अ ड्रिंक। वो भी मांग रहा है बम, दे दो उसको, दे दो पिला दो उसको। पढ़ क्या लिखा? क्या लिखा है? सुपीरियर विस्की। हाँ तो इसका मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है कि हम ये नई ड्रिंक है, ये नई ड्रिंक है। पता तुमने मेरा कितना नाम बदनाम कर दिया है यार। कुछ नहीं हुआ इसमें, क्या पता था पूरे के पूरे शराबी निकलोगे। मैं क्या करूँ मेरे मौला, मैं क्या करूँ? तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बिल्कुल। तुझे गलत है, मुझे तुम्हारे साथ अब वाकई नहीं रहना, रहना ही नहीं है मुझे। ऑफ यार इनफ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। नहीं रहना तुम्हें? कल तक सिर्फ एक मजाक था। मत रहे। इसको मैं ग्लास फोड़ दूंगी। फोड़ दे। मैं ग्लास फोड़ दूंगी। फोड़ दे। यार तुम बहुत बदतमीज बेहुदा टाइप के इंसान निकले। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने गंदे इंसान निकलोगे। इस बच्चे तक के बारे में नहीं सोचा, अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचा, अकेले तुम्हारे साथ में यहाँ पड़ी हूँ वो चीज भी नहीं सोची तुमने। बेटा तू अपने बाप के पास मत बैठना, हाथ मत लगाना। क्या मजाक समझ रखा है सब कुछ? क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी? जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तो। प्लीज मेरे नजर के सामने से हट जाओ, मुझे इस टाइम तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुझसे ज्यादा मुझे आ रहा है? तू उधर काट के घर में कदर को ना होगा। हाँ मेरे मौला, मैं तो बस इतना सोच रही हूँ क्या होगा मेरा, मैं एक इस शराबी इंसान के साथ कैसे जिंदगी काटूंगी, किस तरीके से रहूंगी। अल्लाह मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ भाई ये क्या हो रहा है? बाहर मोहल्ले वाले भी आ गए थोड़ी बहुत देर में, अभी तो ये आए हैं, मोहल्ले वाले भी आ जाएंगे। सही है, क्या ड्रामा हो रहा है? बुझे हमारी आपस की बात है भाई। ए, क्या सुन रहा हूँ मैं तुम्हारे बारे में? गलत है, गलत है? ये झूठ बोल रही है तुम्हारे सामने? भाई ये मेरा घर है यार, तुम ये तेरा मेरा घर नहीं है। जो भी जानते हैं हम कम कौन है। अभी थाने में जाएगा ना तो तेरा दिमाग एक मिनट में ठिकाने में आ जाएगा। क्या अब कुछ कहने के लिए बाकी रह गया तुम्हारे पास? चल मैं बताता हूँ थाने में तुझे, आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आप चले जाइए सर। देखिए आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तो प्लीज, दिस इज माय हाउस। आप जब तुम रेस्पेक्ट करते हो तुम ये क्या ड्रामा कर रहे हो फिर तुम? यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बताओ? लोग बाहर तमाशा देखते हैं, ये कितनी गलत बात है, तुम आपस में शराब पी के झगड़ा करते हो। हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं ना? झगड़ा नहीं कर रहे हैं। हाँ बाहर मेरा तमाशा बन गया, झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तो कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं कर। देखिए आप इंटरफेयर मत करिए सर, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और पुलिस की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ नहीं गलत कर रहा। आपको लग रहा है अगर ऐसा
तो आपको गलत होगा। ए नीचे बैठ। ठीक है, तू गलत नहीं कर रहा है क्या? तू झगड़ा कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, इसको परेशान कर रहा है सारा पी पी के। कितनी गलत बात है तुम्हारी है। परेशान करता हूँ नहीं भैया, मैंने क्या पता मेरे पीछे भी पीते हो और क्या क्या करते हो मेरे पीछे तुम? कुछ नहीं करता हूँ। देखा सुना सर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप जाइए। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ जाऊंगा तुझे अपने साथ थाने में लेके जाऊंगा और तेरा वो हाल करूंगा कि तू कल अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा। नहीं प्लीज आप लेके मत जाइए, ये हमारा आपस का मसला है, मैं हैंडल कर लूंगी, मैं इनको समझाऊंगी। देख लो मैडम, अगर ये नहीं मानता तो मैं इसको लेके जाऊंगा। नहीं मानूंगा मैं। नहीं मानेगा तू? मत दिखाओ, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। चल मैं तुझे दिखाता हूं। अरे नहीं नहीं प्लीज प्लीज हट जा, मेरा दिमाग खराब मत कर, हट जा हट जा। तू समझ क्या रहा? एक साइड बैठ, सुनाई देगा तुम्हें। मेरे घर का मामला है, क्यों आया? मेरे घर का मामला है, घर का मामला है। किसको बुलाया आपने? किसने बुलाया आपको? किसने बुलाया? पुलिस अपनी मर्जी से जहाँ झगड़ा होगा वहाँ जा सकती है। बहुत तमाशा हो रहा है, प्लीज यार अब तमाशा। देखो मैडम, ये ऐसे मानने वाला नहीं है, जब तक के थाने में जाएगा इसका मैं। नहीं नहीं मैं इनको, प्लीज यार रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मैंने क्या समझा? या तो चुपचाप एक साइड पर बैठ जा वरना मैं लेके जाऊंगा। आपके पास शिकायत पहुंची? शिकायत पहुंची? मेरी फैमिली से फोन गया, पुलिस नहीं गया? पुलिस कहीं भी जा सकती है। क्यों आया? पुलिस कहीं भी जा सकती है, पुलिस कहीं जहां भी किसी के साथ गलत होगा तो पुलिस वहां जा सकती है। जैसे शराबी लोगों ने, पता है हर घर में जो जिस घर में शराब पीते ना, उस घर का तुम जैसे शराबी ने नाश कर रखा है। कुछ नहीं होगा, हटो, कुछ नहीं होगा। थाने से पुलिस बुलाऊं? बुलाओ, पुलिस बुलाओ अभी थाने से। ये क्या है? कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ये हाथ में चला, कुछ भी हो, ये क्या हो रहा है? कुछ भी हो, चल अभी मैं तो ये थाने चलता हूँ, चला जाऊ। नहीं प्लीज प्लीज रहने दो, प्लीज नहीं रहने दो, प्लीज नहीं। क्या हो रहा है? आपको अगली बार कह रहा हूँ, अगर आप ये मानता है तो मानता हूँ, मैं इसको भी थाने लेके जाऊंगा। मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ। तेरा घर है, तेरा घर। ठीक, तेरा घर तो आराम से रहे, ठीक है? हल्ला करने की जरूरत नहीं है, पड़ोसियों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बस मैंने जो तुम्हें कहा ना, मैं आखिरी बात तुम्हें समझा, अरे बदतमीजी मत। मैडम ये ऐसे मानने वाले नहीं है, नहीं ये ऐसे मानने वाला नहीं, मैं कहता हूँ ये ऐसे मानने वाला नहीं है। जब तक इसको थाने में ले जाके मारना ही पड़ेगा ना, ऐसे मानने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं जा रहा मैं, नहीं जा रहा मैं, नहीं जा रहा। ए आवाज बंद कर, नहीं जा रहा मैं थाने से। पुलिस बुला भी, हाँ बुला लो, जा बुला लो। नदीम मजाक कर रहा था क्या? अब मेरी बात सुन लो दोस्तों, क्या है यार, क्या ड्राम हो रहा है मेरे भाई? ड्राम आ रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग? आप लोग मेरी सुनो, क्या ड्राम हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम यार? राशिद मैं, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जानते हो तो तुम्हें जानते हो, जानता हूँ इसलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। एक घंटे क्या कर रहे थे? मैं एक सर्विस करता हूँ और तुम जानते हो मैं मैनेजर हूँ। ये मेरी वाइफ है महवेश खान, वेल एजुकेटेड, आई एम आल्सो वेल एजुकेटेड। और ये मैं ना इनके साथ एक प्रैंक कर रहा था और प्रैंक के साथ साथ सर, प्रैंक के साथ साथ मैं समाज को एक संदेश दे रहा था कि घर में, बाहर या कहीं पर भी दारू पीने का क्या नतीजा है। कुछ नहीं होता है दोस्तों का, फ्रेंड्स का या फिर इधर उधर वालों का, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। सिर्फ बिगड़ता है तो बिगड़ता है आपकी फैमिली का। दोस्तों दारू पीना सेहत के लिए भी हानिकारक है, परिवार के लिए भी हानिकारक है। ये वाली बात तो तुमने बिल्कुल सही कही ना? मैं भी ड्यूटी करता हूँ और जितने भी मेरे पास फोन आते हैं, जितनी भी शिकायतें आती है, आधी शिकायतें वो आती है जो शराब पीते हैं। और मैं आपके लिए बता दूं, मैंने ना एक कैमरा यहाँ लगा रखा है और इधर आओ दोस्तों, मैं आपका मोहम्मद नदीम। देखा बेटा कैसा लगा मेरा प्रैंक? तुमने क्या बोला था?
तुम्हारी टी शर्ट पे ये लगा है, तुम्हारी टी शर्ट में वो लगा है। देखा बेटा मेरा प्रैंक, मैं ऐसे ही करता हूँ प्रैंक। मेरे को तुमसे बात नहीं करनी है, तुम मैं रोज तुम्हारे जगह में कम तो मैं छुपा लूंगा यार, क्या दिक्कत है। मैं सीरियस हो गई, तुम्हें पता मैं कितना डर गई थी, कितना घबरा गई थी, मेरा दिल बिल्कुल अजीब सा हो गया कि अल्लाह अब मैं क्या करूंगी। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं इतनी गंदी चीज को हाथ लगाऊंगा, कैसे तुमने ये सब वो ड्रिंक में था वो सब कुछ, वो कुछ नहीं था। मैं तुझे बता रहा हूँ, वो ना लिमका थी, मैंने कहा खान साहब का आज मैं प्रैंक बनाता हूँ। तो दोस्तों सच बताना, हमारा प्रैंक कैसा लगा, कैसी लगी हमारी ये वीडियो आपको? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस वीडियो में मैंने ना बहुत मेहनत की थी, आज तक मैंने कभी भी वीडियोस में मेहनत नहीं की है, लेकिन इस वीडियो में की है, बिकॉज एक संदेश जाना चाहिए देश के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, कि शराब पीना कितना हानिकारक है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शराब से ही आती हैं। तो अवॉइड करें, वाइकआउट करें, शराब को वाइकआउट करें। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और नदीम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।